नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेक्चर सीरीज के अंदर ये मेरा 13वां लेक्चर है और आज मैं जून 2013 के क्वेश्चन पेपर को आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस पेपर को। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे संरचना में कौन सा वर्ग औसत मीन निर्मित करता है? औसत उनके सामाजिक ढांचे में है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के लोग औसत में आते हैं, इसीलिए उन्होंने गोल्डन मीन को अपनाया है। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने चर्च को दोषी ठहराया है। हीगल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हीगल क्या बोलते हैं? परिवार वाद है, बुर्जुआ समाज प्रतिवाद है और राज्य संवाद है। ठीक है, परिवार थीसिस, बुर्जुआ एंटीथीसिस और राज्य सिंथीसिस है। बिल्कुल सही बात है। जो मुक्ति मूलक है वह वास्तविक है तथा जो वास्तविक है वही मुक्ति मूलक है, ये भी हीगल ही कहते हैं। अब यहाँ पे दो मिल गए तो थर्ड भी होना ही चाहिए। अंतर विरोध सत्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, इसीलिए वो बोलते थे कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथीसिस तो चलते ही रहेंगे, भले ही अंतर विरोध आ जाए लेकिन सत्य को आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलोसफी कर की? तो ये थे कार्लाइल। कार्लाइल एक मानवतावादी दार्शनिक थे और इन्होंने बोला जहां पर सुख, एक शराबी का सुख और एक दार्शनिक का सुख, जहां पे बेंथम ने एक जैसा माना है उसमें सुअरवादी प्रवृत्ति झलकती है। जॉन रोल की कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आई है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1992 में, द लॉ ऑफ पीपल्स 1999 में और उपयुक्त सभी। मतलब ये तीनों की तीन जॉन रॉल्स की है, तो ये इसका आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माओ का नहीं है? राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उपजती है। बिल्कुल सही इन्होंने बोला है, कठोर परिश्रम के 3 वर्ष, खुशियों के 10,000 वर्ष। बिल्कुल सही। अणु बम वास्तविक शेर है? दोस्तों, माओ बोलते थे कि अणु बम कागजी शेर है और यूरोप के देशों को भी उन्होंने कागजी शेर कहकर पुकारा था, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये वास्तविक शेर नहीं, कागजी शेर इन्होंने बोला है। क्रांति एक रात्रि भोज आयोजन नहीं है, क्रांति लाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से कौन सा कथन सही है? सही है बिहेवियरलिज्म उद्दीपक अनुक्रिया रूपावली पर आधारित है। नहीं, बिल्कुल गलत है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 सिद्धांत है। बिल्कुल सही। जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है इसके 7 सिद्धांत है और बिहेवियरलिज्म के 8 सिद्धांत है, तो मैंने दोनों के ऊपर वीडियो बनाई है तो आप उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन अभिकथन। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को कल्पनालोकी समाजवादी कहा, उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की ही आलोचना की है। दोस्तों, रीजन के अंदर देखो कि ही लिखा है, क्या उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की ही आलोचना की है? नहीं, उन्होंने पूंजीवादी के साथ साथ प्रिमिटिव सोसाइटी की भी तो की है, उन्होंने जब दास रखे जाते थे उसकी भी तो आलोचना की है। तो इसका सही आंसर यहां पे आएगा सी, ए सही परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संघटकों का सही क्रम बताइए। दोस्तों, ये 4 जो सद्गुण है ये आपके फिलोसफर किंग के सद्गुण है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले फिलोसफर किंग के लिए जरूरी क्या होता है? विजडम। ठीक है, उन्होंने 3 भागों में बांटा है ना समाज को, तो विजडम जिसके पास होगी, बुद्धिमान जो होगा वही राजा बनेगा। लेकिन बुद्धिमान के साथ दूसरे नंबर पे उसके पास क्या होना चाहिए? साहस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा बुद्धिमान तो है लेकिन डरपोक है, तो साहस भी होना चाहिए। थर्ड, अगर उसमें संयम होगा, ठीक है,
अगर वो बुद्धिमान है और साहस है, अगर उन दोनों के बीच वो संयम स्थापित करता है तो वो अपने साथ क्या करता है? न्याय। ठीक है, अपने साथ क्या करता है? वो न्याय। न्याय को इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक सेल्फ न्याय और एक अदर्स के लिए न्याय। ठीक है, अदर्स के लिए न्याय तो आपको पता ही होगा, दूसरों के काम में टांगना अड़ाना और अपने काम को ईमानदारी से करना, और सेल्फ के लिए ये चार उन्होंने दिए थे। तो नो का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सूची एक को सूची दो के साथ आपने मिलाना है। सावरकर, सावरकर ने क्या किया था? समस्त राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदू धर्म का सैन्यकरण इन्होंने किया था, सावरकर ने। एम एन रॉय पकड़े गए थे कानपुर षड्यंत्र और मुकदमे में दंडित किए गए थे। अरविंदो घोष ने ये लोटस एंड ड्रेगर नाम की गुप्त संस्था जो कि लंदन में थी उसमें ये जुड़े थे, और जयप्रकाश नारायण ने लिखी है अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो 10 का सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किसके विचारों की प्रतिक्रिया में असम विकास की धारणा का उद्भव हुआ? ये पूंजीवाद के, ठीक है, पूंजीवाद के विरोध में हुआ था वो असम धारणा का उद्भव। क्वेश्चन नंबर 12, सूची एक को आपने सूची दो के साथ मिलाना है। ये सारे के सारे क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट है, डिपेंडेंसी थ्योरी इन्होंने दी है सभी ने। समीर आमीन ने लिखी है, समीर आमीन ने लिखी है एक्यूमुलेशन ऑन अ वर्ल्ड स्केल। एक्यूमुलेशन ऑन अ वर्ल्ड स्केल, और एजी फ्रैंक की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट। पॉल स्विजी की है मोनोपोली कैपिटलिज्म, और कार्डोसो की है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन साउथ अमेरिका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर यहां पे आ रहा है डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपागम से संबंधित है? संवैधानिक उपागम से जुड़े हैं जेम्स ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 14, एकल रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती देने वाला निम्नलिखित में से कौन था? तो एकल रेखीय विकास प्रक्रिया को चुनौती दी थी एसपी हंटिंगटन ने। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको सूची एक को सूची दो से मिलाना है, चिंतक और उनके विचारों के साथ। ईस्टर्न नहीं, इसमें सुमेलित नहीं है, वो आपने देखना है जो इसमें से सुमेलित नहीं है। ईस्टर्न का नियामक कार्यविधि बिल्कुल सही बात है डॉइश। डॉइश ने अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण नहीं दिया है। ठीक है, कार्ल डॉइश आपके सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं, ना कि आपके एलिट थ्योरी से। तो इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे दो गलत है। उसके बाद शील्स, संरचनात्मक विभेदीकरण की यहाँ पे बात की जा रही है, एडवर्ड शील्स। एडवर्ड शील्स आई थिंक ये भी गलत है, शील्स भी संरचनात्मक विभेदीकरण से नहीं जुड़े हैं। हाँ, संरचनात्मक विभेदीकरण से जुड़े हैं लुशन पाई। लुशन पाई ने ईसीडी मॉडल दिया है, तो ये गलत है। उसके बाद है यहाँ लुशन पाई, नकारात्मक प्रतिपुष्टि दी है, नकारात्मक प्रतिपुष्टि दी है डॉयश ने, कार्ल डॉयश ने। तो ये तीनों के तीन सही मेलित नहीं है, लेकिन ईस्टर्न का नियामक कार्यविधि बिल्कुल एकदम सही, करेक्ट इसमें मैच है। तो इसका सही आंसर होगा 2, 3 और 4, यहां पे गलत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सांस्कृतिक द्वैतवाद क्या है?
ड्यूअलिज्म, कल्चरल ड्यूअलिज्म का मतलब होता है एक देश के अंदर दो प्रकार के कल्चर जब होते हैं, जैसे कि एक एलीट का कल्चर, ठीक है, अभिजात लोगों का एक आधुनिकीकृत वर्ग होता है, जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे से जुड़े होते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल्चरल डुअलिज्म इसका क्या मतलब, जो एलीट होते हैं बड़े बड़े लोग, वो मॉडर्न लाइफ को जीते हैं, और जो अधिकांश लोग होते हैं वो परंपरागत लाइफ जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निम्नलिखित आगत कार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले तो देखो, राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती की जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिज्म के ऊपर मैंने वीडियो डाली है, आप वहां से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपका हित समूही, हित सुस्पष्टीकरण, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन किया जाएगा कि क्या लोगों की मांगे हैं, उसके बाद उनका समूहीकरण एग्रीगेशन किया जाएगा, और लास्ट में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो 17 का करेक्ट आंसर यहां पे है बी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत को मैकेनिस्टिक थ्योरी, यंत्रवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, बहुत बार बता चुका हूं आपको। अभिजात वर्ग का स्पेक्युलेटर्स और अच्छा अभिजात वर्ग को स्पेक्युलेटर और रेंटियर के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिलता है? तो ये मैकियावली के, ठीक है, ये जो भाड़ाजीवी और होते हैं, स्पेक्युलेटर और रेंटियर्स होते हैं, ये मैकियावली के शेर और लोमड़ी से मिले जुले हैं, कि जो अभिजात या जो एलीट होते हैं ना, वो कभी तो शेर की तरह दहाड़ते हैं और कभी लोमड़ी की तरह चालाक बनते हैं और लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है, इसके पक्षधर थे एस पी हंटिंगटन। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें से कौन सा सही नहीं है? संविधान के प्रावधानों के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से दोनों लोकसभा के प्रति जब जवाबदेह होते हैं। बिल्कुल गलत, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते, तो ये पहला गलत है, तो सही नहीं है, पहला गलत है। किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है, किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, एक के प्रति भी अगर अविश्वास लाया गया तो पूरी मंत्रिपरिषद के लिए वो माना जाता है। 3, अविश्वास प्रस्ताव में उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर लिखो। यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर लिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा, बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन 1956 में किससे संबंधित नीति को स्वीकार किया गया? तो ये समाज का समाजवादी ढांचा, ठीक है, सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर आवड़ी अधिवेशन के बाद ही इंडिया में अपनाया गया था। गृह सचिव एन वोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 ने निष्कर्ष निकाले थे, राजनीतिक अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच सांठगांठ हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, पार्थ चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में किनके बीच अंतर विरोध नजर आएगा? वो आएगा समावेशन तथा लोकतंत्र के बीच। क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भाग के लिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जम्मू कश्मीर में नहीं होता है, जम्मू कश्मीर में भी होता है, और पूरे, क्योंकि वहां भी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है, तो उसके लिए इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 26 असर्शन और रीजन का है, तो इसको देखते हैं। भारतीय समाज के तीव्र धार्मिक अभिमुखीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय राज्य की धर्म
निरपेक्षता की विचारधारा विरोधाभासी प्रतीत होती है, बिल्कुल होती है। जितना भी धार्मिक होते जा रहे हैं लोग, मतलब धार्मिकता की ओर कट्टर होते जा रहे हैं, तो उससे धर्मनिरपेक्षता कहीं विरोधाभास आ रहा है उसमें। भारतीय समाज के सांस्कृतिक बहुलता एवं वैविध्य को एक सर्व सामान्य राष्ट्र राज्य में एकीकृत करने तथा भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान साम्राज्यवादी फूट डालो और शासन करो तथा मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गढ़ा गया है। अब यहाँ पे देखो, भारतीय निरपेक्षता कब गढ़ी गई है? 1950 के बाद, सॉरी 1947 के बाद, जब हमारा संविधान बना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए। ऐसा नहीं है, दो राष्ट्र तो बन चुके थे तब तक। तो इसका क्या मतलब है? आर यहाँ पे ए क्वेश्चन नंबर 26 ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, पूंजी भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तन किया है राज कृष्ण ने, राज कृष्ण ने। क्वेश्चन नंबर 28, सन 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया। नेहरू कामराज योजना के नाम से भी ये जानी जाती है। इसका क्या काम था? कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवित करना, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने क्या अभियान चलाया था कि जितने भी सेंटर मिनिस्टर है वो अपना त्याग पत्र दे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अपना सहयोग दे, और इसके अंदर 6 मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया भी था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही नहीं है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का पद सांविधिक है। उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसे सीबीआई कार्यकारिता का अधीक्षण करने का अधिकार होता है। दोस्तों, जो इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ना कि 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के निर्वाचन आयोग ने आयोग के अंतर्गत एक विशेष निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षण का गठन किया है। बिल्कुल नहीं, इन्होंने कोई विशेष निर्वाचन व्यय का पर्यवेक्षण नहीं किया है, बल्कि ये खुद उनका व्यय का हिसाब किताब रखते हैं। राजनीतिक दलों के हिसाब खातों का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है। अगला, निर्वाचन से संबंधित भुगतान करके समाचार देना एक निर्वाचकीय अपराध है, निर्वाचकीय अपराध है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निर्वाचन से संबंधित आप कोई भी भुगतान करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। लिमिट के अंदर अगर आप समाचार देते हो तो उसका कोई भी निर्वाचकीय अपराध नहीं है। पोलिंग स्टेशन के भीतर चल रही मतदान की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने की अनुमति होती है? बिल्कुल होती है, और ये 2007 से लागू हुआ है कि आप उसकी वो वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं। शक्ति अभिजन से संबंधित सी राइट मिल के तर्क शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत के ढांचे पर आधारित है। बिल्कुल, सी राइट्स मिल क्या है? ये मॉस्का के शिष्य है और ये क्लासिकल शास्त्रीय अभिजन के चिंतक है, ठीक है। इन्होंने क्लासिकल एडेट की थ्योरी दी है। अभिजन परक निरूपण करना शास्त्रीय अभिजनवाद के बिना संभव नहीं है। ये जो एलियट थ्योरी का निरूपण है, ये आधुनिक अभिजनवाद से भी हो सकता है। इसके लिए शास्त्रीय अभिजनवाद जरूरी नहीं है, तो ये शास्त्रीय अभिजनवाद के बिना भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ए सही, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रिज्मीय समाज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? प्रिज्मीय जो रिक्स ने दिया है वो है विकासशील देशों में लोक प्रशासन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 33, जॉब लोडिंग का अर्थ है। जॉब लोडिंग का मतलब है जॉब को लोड करना, जितना आपको कार्य कार्य दिया गया है उससे ज्यादा कार्य देना। उत्तरदायित्व तो कार्यक्षेत्र तथा चुनौतियों को सोच समझकर बढ़ाना ही जॉब लोडिंग होता है। क्वेश्चन नंबर
34। नकारात्मक अभिप्रेरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? नेगेटिव मोटिवेशन। दोस्तों मोटिवेशन थ्योरी के ऊपर मेरी 3 वीडियो है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये भय, अगर भय होगा, भय के द्वारा अगर किसी से काम लिया जाएगा तो वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो नेगेटिव अभिप्रेरणा है, क्योंकि डर के मारे लोग काम कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके विचारों से साइमन सकारात्मक रूप से प्रभावित थे? तो ये थे बर्नार्ड के विचारों से, और बर्नार्ड ने जो सिस्टम थ्योरी अपनाई थी और उसमें निर्णय सिद्धांत को अपनाया था, उसी के प्रभाव से व्यवहारवाद का साइमन ने समर्थन किया है, और इन्होंने डिसीजन अप्रोच और सिस्टम अप्रोच को अपनाया है बर्नार्ड से। क्वेश्चन नंबर 36। संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक सिद्धांतों पर आधारित है। बिल्कुल सही बात, शास्त्रीय सिद्धांत में व्यवहार परक विश्लेषण का अभाव था। ये बिल्कुल दोनों, यहाँ पे देखो, शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक सिद्धांतों पर, मतलब शास्त्रीय सिद्धांत पर बल दिया गया है, और शास्त्रीय सिद्धांत शास्त्र में क्या है, व्यवहार परक विश्लेषण का अभाव था। तो यहाँ पे दोनों में फोकस किस पे किया गया, शास्त्रीय सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ए तथा आर, दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। हेलो। हाँ जी हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रस्तावित हाँ जी प्रवृत्ति हाँ जी कौन सी है? हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रस्तावित प्रवृत्ति कौन सी है? तो हर्बर्ट साइमन ने दी है तार्किक प्रत्यक्षवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद, और ये परिसीमित विवेकशीलता, बाउंडेड रैशनैलिटी है बर्नार्ड की, और निर्णय सिद्धांत दिया है हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, तो 37 का सही आंसर यहाँ पे आ गया हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किस विचारक ने मिथकों और लोकोक्तियों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने इसको बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था कि जो आपका क्लासिकल थ्योरिस्ट जो बोल रहे हैं कि प्रशासन को हम विज्ञान बनाएंगे और हमारे जो सिद्धांत है यूनिवर्सली लागू होंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ये लोकोक्तियों की तरह है, लोकोक्तियों की तरह, कि ये लोकल में तो ये सही हो सकते हैं लेकिन यूनिवर्सल में ये सही नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। जॉन ऑफ इंडिफरेंस, जॉन ऑफ इंडिफरेंस जुड़ा है सत्ता के साथ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में विश्लेषित किया? ये एमपी फॉलेट ने किया है। युद्ध के गैर राजकीय आयाम को कहते हैं नव युद्ध, न्यू वॉर। 1 दिसंबर 1943 को तेहरान की उद्घोषणा में क्या था, नवीन सदस्यता के रूप के लिए इन्होंने काम किया था। फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ा था डेविड मित्रेणी ने। क्वेश्चन नंबर 44। CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच शासकीय मंजूरी अक्टूबर 2010 को मिली? तो दोस्तों ये मिली है भारत और जापान को, इससे पहले भारत और सिंगापुर को मिली थी, और आपने अभी पता कर लेना है कि 2018 तक ये CEPA किस किस को मंजूरी मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 45। व्यवस्था विश्लेषण हेलो के मॉर्टन कापलान के मॉडल का सही अनुक्रम क्या है? इसमें सबसे पहला है शक्ति संतुलन, दूसरा है ढीली द्विध्रुवीयता, उसके बाद कठोर हो जाती है, और लास्ट में आता है सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। मैं आपके सामने इसको ज्यादा व्याख्या इसकी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया आपके सामने। तो 45 का सही आंसर यहाँ पे है डी। स्टेबल पीस नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी है जोहान गेल्टुंग ने, जोहान गेल्टुंग ने। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 14/41/2002 संबंधित थे इराक पर प्रस्ताव, जिसमें यह कहा गया था कि यदि सद्दाम हुसैन यूएन निरीक्षक दल को अपने जन संहारक हथियारों का ब्यौरा नहीं देते तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ठीक है, उनको भुगतने होंगे। तो इसी के बाद जब कोई रिप्लाई नहीं आया, तभी अमेरिका और उसके साथियों ने यूएन की वो लेके इराक पर आक्रमण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 48। तीन विचारधाराओं यथार्थवाद, तर्क बुद्धिवाद तथा क्रांतिवाद के संयोजनों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? तो ये किया था हेडली बुल ने।
हेडले बुल ने किया था और ये अंतर्राष्ट्रीय समाज से जुड़े हुए हैं। मैंने कुछ लोगों को बुक्स दी थी इंटरनेशनल 5th इंटरनेशनल थिंकर की, उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी होते हैं तथा उन्हें 15 में से 9 सदस्यों के बहुमत और साथ ही 5 स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक के द्वारा पारित करना पड़ता है। बिल्कुल सही करना पड़ता है क्योंकि ये बाध्यकारी है। इन 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के समस्त निर्णयों के ऊपर वीटो पावर होता है। दोस्तों यहाँ पे समस्त निर्णयों के ऊपर इनको वीटो पावर नहीं होता है, कुछ निर्णयों पर होता है, समस्त पर नहीं होता है। तो यहाँ पे आर गलत है, मतलब ए सही आर गलत, इसका सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत मोर्गेंथू द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? स्थायी और अपरिवर्तनीय, मानवीय प्रकृति की मूल में राजनीति स्थिर होती है। बिल्कुल सही, मानव अस्तित्व में स्वहित आधारभूत तत्व है। बल प्रयोग, बिल्कुल सही, ये भी मानव अस्तित्व में स्वहित आधारभूत तत्व है। बल प्रयोग केवल विदेश नीति का अंग होता है? नहीं, राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 4। इसका सही आंसर है 1, 2, 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों मेरी इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।